अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ स्मीना। आज बनाऊंगी आलू और भिंडी की सब्जी। इसके लिए लिया है मैंने नमक 1 चम्मच, धनिया और जीरा पिसा हुआ आधी चम्मच, काली मिर्च आधी चम्मच, हल्दी आधी चम्मच, सुरख मिर्च 1 चम्मच, एक लीमू का रस लिया है मैंने आधी चम्मच, साबुत जीरा लिया है, भिंडियाँ लिए 1 किलो, आधा किलो आलू लिए, एक पतीला लिया है मैंने, फ्लेम ऑन कर दिया है। अब मैं डालूंगी इसके अंदर कुकिंग ऑयल, आधा कप डाला है कुकिंग ऑयल। ऑयल गर्म हो चुका है, मैं डाल दूंगी इसके अंदर भिंडियां। भिंडियां ज्यादा है मेरे पास, मैं हाफ हाफ करके फ्राई करूंगी इसे। अब मैं भिंडियों को फ्राई कर लूंगी, फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया है। भिंडिया फ्राई हो चुकी है, मैंने 3-4 मिनट फ्राई कर लिया। मैं इसे निकालूंगी बाउल के अंदर। अब इस ऑयल के अंदर दूसरी भिंडिया डाल दूंगी। अब इन भिंडियों को फ्राई कर लूंगी, 3-4 मिनट फ्राई करूंगी। सारी भिंडियों को मैंने फ्राई कर लिया, मैं इसे निकाल लूंगी बाउल के अंदर। एक बड़ा पतीला लिया मैंने, फ्लेम ऑन कर दिया। मैं डालूंगी इसके अंदर कुकिंग ऑयल। आधा कप डाला मैंने कुकिंग ऑयल। मैं डाल दूंगी इसके अंदर जीरा, इसे हल्का सा फ्राई कर लूंगी। जीरे को मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया। मैं डालूंगी इसके अंदर आलू। आलू डालकर मैंने इसे 2-3 मिनट फ्राई कर लिया है। अब मैं डालूंगी इसके अंदर टमाटर का पेस्ट, ये पहले बताना भूल गई थी। 4 टमाटर को मैंने ब्लेंड कर लिया है, टमाटर का पेस्ट डाल दिया है। अब मैं इसके साथ भून दूंगी। टमाटर का पेस्ट डालकर मैं 2-3 मिनट भून लिया है। अब मैं डाल दूंगी बाकी मसाले, सुरख मिर्च, हल्दी, काली मिर्च और गर्म मसाला, धनिया जीरा पिसा हुआ। साथ ही डाल दूंगी नमक। मसाले के साथ भून लूंगी इसे। मसाला डालकर मैंने आलू अच्छी तरह भून लिए हैं, आलू अच्छी तरह निकल चुके हैं। अब मैं डाल दूंगी इसके अंदर भिंडियां। हमें भिंडियां डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। भिंडियां डालकर मैंने आलू के साथ अच्छी तरह मिक्स कर दी है। मैं डालूंगी इसके ऊपर लेमन जूस। भिंडियों को आलू के साथ मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, 3-4 मिनट मिक्स किया है। अब मैं इसको दम पे रख दूंगी। 3-4 मिनट में इसे दम पे रखूंगी, फ्लेम मैंने लो कर दी है। भिंडियों को दम पे रखे हुए 5-6 मिनट हो चुके हैं, भिंडियां रेडी हो चुकी हैं। अब मैं निकालूंगी इसे प्लेट में, फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। आलू और भिंडी की सब्जी मैंने प्लेट में निकाल ली है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।